समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और बांद्रा वेस्ट मुंबई के विधायक अबू हाशमी साहब का चांद पर आने पर अभिवादन स्वागत किया गया। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद अरशद ने अपने निवास पर आने पर उनका अभिवादन स्वागत किया। पत्रकारों को पूछे जाने के बाद अबू हाशमी ने बताया कि हमें हिंदू मुस्लिम भाइयों को मिलकर रहना चाहिए, मिलकर रहने से हमारी पार्टी को बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। मोहम्मद अरशद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने कहा, आने वाले 2019 के चुनाव में हमारी पार्टी को बहुत भारी मतों से विजयी होगी। जो आपका और बसपा का जो गठबंधन होने वाला है उससे क्या बेनिफिट्स होगा सर? जो अदर पार्टी नहीं, बेनिफिट आपने देख लिया ना जी। वो सीट जो 28 साल से महान जी पकड़ के बैठे थे और उनको लगता था कि उनके बाद जाएगी नहीं कहीं, और वो मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री दो सीटें, और दोनों के जो बीजेपी के उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी सीट पर बैठे हुए लोग थे, जिनको लगता था कि ये यहाँ पे किसी की दाल गलने वाली नहीं है, और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी भी एक साथ मिली तो दोनों सीटें बहुत आसानी से जीती गई। तो ये इस बात का बिल्कुल इंडिकेशन दे रही है कि बीजेपी के पास, बीजेपी जब 30-32 पार्टियों को लेकर के अलायंस करके देश में सत्ता में बैठ सकती है तो क्यों नहीं सेकुलर लोगों को जो वोटों का बंटवारा हो रहा है वो क्यों नहीं एक साथ आते, तो उनको एक साथ आना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है, हमारे अखिलेश यादव जी ने सुश्री मायावती जी से बात किया और इसको सेटलमेंट किया और दोनों एक साथ एग्री हुए हैं। हमें पूरी उम्मीद है, मुझे नहीं बल्कि पूरे देश की नज़र लगी हुई है कि किसी तरह से मुझे अलायंस हो जाए, ताकि वो लोग जो आज सत्ता में बैठ करके देश को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया है, रोज़ाना हर घड़ी देश जो है पीछे जा रहा है। अब अगर अब दूसरी कोई पार्टी, अच्छी पार्टी के हाथ में सरकार आ भी जाए तो भी 20 साल लगेगा इसको सुधरने में। इकोनॉमिक हालत जो खराब होती जा रही है, क्राइम जो बढ़ता जा रहा है, सांप्रदायिकता जो लोगों के खून में समा गई है, इन चीज़ों को निकालने के लिए इसलिए सबको एकजुट होना चाहिए। पार्टी छोटी हो जाए, सीटें कम मिले, उसको बर्दाश्त कर लेना चाहिए, लेकिन एक साथ हो जाना चाहिए, ये सबकी मंशा है। अच्छा, आप जान तो रहे हैं सर, क्या संदेश देना चाहेंगे आप पब्लिक को सर? मैं पब्लिक को ये संदेश दूंगा कि हम सब जो हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ के मुसलमानों से कहूँगा, क्यों मैं मुसलमान हूँ, सबसे मेरा हक सबसे पहले अपने लोगों को बोलने का है, भाई हम लोग अपने हिंदू भाइयों के साथ जितनी भी हो सके उनके साथ मेल मिलाप अच्छी तरह बढ़ाएं, क्योंकि इस्लाम जो है कहता है कि जब पक्की पड़ोसी का हक बहुत बड़ा होता है और भाईचारगी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज दूसरे लोग जो हैं वो सिर्फ माइनॉरिटी और मुसलमानों का नाम लेकर के पोलराइजेशन कर रहे हैं। मैंने अभी असेंबली में कहा कि कुछ मत दो मुसलमानों, लेकिन मुसलमानों के किए हुए कामों को हमारे नौजवान पीढ़ियों के पास लेके जाओ कि भाई तुम कहते हो वंदे मातरम पढ़िए, तो आप वंदे मातरम पढ़िए। आप ये कहिए कि जय हिंद का नारा किसने दिया, दे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान का नारा किसने दिया, तिरंगे का झंडा किसने बनाया, हिंदुस्तान की आज़ादी में जो सबसे बड़ा चंदा दिया आज़ाद हिंद फौज को वो कौन था, मुसलमान था, जिन्होंने 125 करोड़ रुपया चंदा उस वक्त जमाने में दिया था। इन चीज़ों को नई पीढ़ियों को बताने की ज़रूरत है। बीजेपी RSS नई पीढ़ियों को मुसलमानों के खिलाफ वर्गला करके पोलराइजेशन करना चाहती है, तो हमें आज अपने हिंदू भाइयों के साथ मिलजुल करके इस देश की एकता को बनाए रखने के लिए मैं ये चांदपुर में मुसलमानों से कहूँगा कि आपको कोई गाली भी देना तो आप उसको दुआ दे दी। जी हाँ, कि जो अगर अभी मैं पूछूँ किसी मुसलमान से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान दे सकते हो क्या, तो समाज का आखिरी आदमी भी कहेगा हाँ मैं उनके लिए जान दे सकता हूँ। तो मैं जान देने की बात नहीं कर रहा, उनके बताए रास्ते पर चलने की बात कर रहा हूँ कि अगर हम सब चले फिर दाल खिलेंगे हमें इस देश में।